हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ शिखा हियर फ्रॉम लेट्स क्रश दी साइंस। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 1 कंप्लीट किया है, जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर मूविंग थिंग्स क्या है, कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है, और कौन सी रेस्ट में है, और ठीक है, और आगे बहुत सी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो जैसे इसमें एक टेबल बनाया गया है एनसीईआरटी में, उसमें ऐसे दे रखा है मूविंग थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, उसमें कुछ एग्जांपल्स है, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो कि रेस्ट में है यानी कि स्थिर है, और कुछ मोशन में है। ठीक है, जैसे हाउस है तो आपको पता है हाउस तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो वो स्थिर है ना, रेस्ट पोजिशन पर है। ऐसे या फ्लाइंग बर्ड, तो इसमें आप क्या कहेंगे कि ये तो मूविंग फ्लाई करके क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। ऐसे टेबल है वो भी रेस्ट में है, और लेकिन सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक यानी कि जो घड़ी वाली सेकेंड की सुई होती है वो क्या करती है, वो मूव करती है ना। ऐसे ऐसे कुछ घड़ी होता है, और इसमें एक मिनट हैंड होता है, एक सेकेंड हैंड होता है, तो ठीक है, ऐसे तो मूव करता रहता है ना वो, तो कुछ ऐसा बताया गया है। और क्या बताया है, क्लॉक वो भी तो स्थिर है। ठीक है, तो आगे देखें, आगे हमारी हेडिंग क्या है, तो टाइप्स ऑफ मोशन यानी कि गति के प्रकार के बारे में बताया गया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर के बारे में, सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है, और भी बहुत सारे मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे शुरू करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, आखिर रेक्टिलिनियर मोशन है क्या। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अगर एक स्ट्रेट लाइन में आप मोशन कर रहे हो, ठीक है, तो क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है। जैसे कि व्हेन अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन द बुलेट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, अगर एक किसी बंदूक से कोई गोली दागी जाती है तो क्या होता है, आप फायर करते हो तो वो एक स्ट्रेट पाथ में, क्या लाइन में वो मूव करती है, जो बुलेट होती है, जो गोली होती है। और अगर हम आगे देखें तो क्या है, द मार्च पास्ट ऑफ अ सोल्जर्स इन अ परेड। ठीक है, अगर कोई आपने देखा होगा कभी 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन, ठीक है, तो उसमें देखा होगा ना सोल्जर्स को कैसे वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव परेड करते हैं ना, तो वो इसी के बारे में बताया गया है। और द मोशन ऑफ अ स्प्रिंटर, जो एक शॉर्ट डिस्टेंस रनर होता है, ठीक है, एक धावक बोलते हैं स्प्रिंटर को, ठीक है, वो क्या करते हैं, एथलेटिक्स जो होते हैं वो एक स्प्रिंट लगाते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस का होता है, लगभग 100 मीटर का होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ऐसे ही सर्कुलर मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, तो आखिर है क्या, इन सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम। इसमें क्या होता है, सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मूव करता है कि जो उसका डिस्टेंस होता है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जो एक स्थिर पॉइंट होता है वहाँ से उसका सेम होता है। ठीक है, वो सेम ही रहता है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो क्या है, द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। आपने इलेक्ट्रिक फैन को देखा होगा, वो कुछ ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव करता है। अब बात करें, द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशंस। तो आपने देखा कि ऐसे घड़ी कुछ मूव कर रही है, तो क्या है, वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। ठीक है, अब बुल टाइड टू रोप एंड मूविंग अराउंड अ फिक्स पोल। एक जो कोई बैल हो, एक रोप से बांधी गई है एक फिक्स पोल के, फिक्स पोल में, ठीक है, तो कैसे मूव करेगी, चारों तरफ ऐसे, मान लो कोई बैल है वहाँ पर बांधी गई है, तो कुछ ऐसे ही तो मूव करेगी। तो वही बताया गया है कि वो सिर्फ किसके एग्जांपल हैं, वो सर्कुलर मोशंस के एग्जांपल हैं। यहाँ पे आपको देखना चाहिए, देखिए क्या है, सेम सम एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। क्या है रेक्टिलिनियर मोशन का, एक सोल्जर्स परेड का एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पे एक देखेंगे सर्कुलर मोशंस का, कैसे एक बुल एक फिक्स्ड पोल से कैसे सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कैसे सीलिंग फैन, जो फैन होता है इलेक्ट्रिक फैन, वो कैसे सर्कुलर मोशन करता है। चलिए अब बात करते हैं पीरियोडिक मोशंस का। तो हमारा रेक्टिलिनियर हो गया, हमारा सर्कुलर मोशन हो गया, ये हमारा तीसरा मोशन है, क्या है वो पीरियोडिक मोशन है। इसमें क्या है, मोशन दैट रिपीट्स इट्सेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इसमें क्या होता है कि जो ये इस प्रकार की गति है, इसमें जो रिपीट होता है एक सर्टेन टाइम के बाद, कुछ निश्चित समय अंतराल के बाद वो गति फिर से खुद को दोहराती है। जैसे आप यहाँ पे एक स्विंग पे देखेंगे, एक लड़की है उसको झुला रहा है एक बच्चा, ये एक्चुअली ये बूझो और पहेली है, ठीक है, तो जो झुला रहा है तो एक निश्चित एक समय अंतराल के बाद क्या हो रहा है, फिर से अपने आप को दोहरा रहा है। ऐसे यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने, ये पेंडुलम देखने को मिलेगा, और ये बेल देखने को मिलेगा जो मंदिर में घंटा नहीं बजाया जाता वो वाला, और यहाँ पे आपको तबला देखने मिलेगा, ये है गिटार, ठीक है,
ये सब पीरियोडिक मोशंस के एग्जांपल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये क्वेश्चन है कुछ मैं आपको सॉल्व करा दे रही हूँ फिल इन द ब्लैंक्स का। जैसे कि 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर, तो हमने पिछले सेशन में देखा कि 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ऐसे 5 किलोमीटर इज़ इक्वल्स टू 5000 मीटर, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 5 किलोमीटर बराबर क्या होगा, 5000 मीटर होगा। आगे देखते हैं थर्ड क्या है, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज पीरियोडिक। तो अभी हमने देखा कि बूझो पहली किस तरह से झूले पे झूल रहे हैं, तो क्या वो पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को दोहराता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मोशन ऑफ द निडल ऑफ अ स्विंग मशीन इस पीरियोडिक, जो एक सिलाई मशीन वाली जो मोशन होता है उसमें भी एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या होती है, निडल अप डाउन होती रहती है। तो किसका एग्जांपल है, पीरियोडिक मोशन का, ठीक है। अगर यहाँ देखें तो क्या है, मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज सर्कुलर। जो व्हील होती है, जो पहिया होता है किसी बाइक का, वो कैसा होता है, सर्कुलर मोशन होता है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। लेकिन आपको वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को, जो कोई भी आपसे जुड़ा हो, ठीक है। कमेंट करें ताकि मैं और भी बेहतर पहचान सकूँ कि मुझे और क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको और अच्छा प्रोवाइड करा सकूँ कंटेंट। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इससे क्या होता है ना कि एक हौसला बढ़ता है तो कुछ और करने का मन करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।